नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है सौरभ सर जीएस में। साथियों, आज 14 सितंबर है, आज हिंदी दिवस है, और देखो कितनी शानदार बात यहाँ बोली गई है। भारत माँ के भाल पर सजी स्वर्णिम बिंदी हूँ, मैं भारत की बेटी, आपकी अपनी हिंदी हूँ। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूँ। साथियों, एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, हमारा देश इंग्लिश एजुकेशन, अंग्रेजी शिक्षा से बहुत ज़्यादा प्रभावित है, पर हमारे जो संस्कार हैं वो संस्कृत से आते हैं, और हमारे संस्कार संस्कृत, हिंदी, हमारी संस्कृति बहुत रिच है। तो यहाँ पर मैं आप सबसे रिक्वेस्ट एक करना चाहूँगा, आजकल मीम्स, आजकल शॉर्ट्स, मीम्स और भाषा का मजाक उड़ाना एक बहुत ज़्यादा प्रचलन में है। जब इंग्लिश दिवस आता है हिंदी का मजाक उड़ाना, जब हिंदी दिवस आता है तो इंग्लिश का मजाक उड़ाना, ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदी हमारी मातृभाषा है साथियों, हमें हिंदी का भी मान रखना है, सम्मान रखना है, और इंग्लिश भी एक भाषा है, तो भाषा के रूप में हमें इंग्लिश को भी देखना है। मैं यहाँ पर ये बता दूँ कि इंग्लिश भाषा को हम अपनी संस्कृति से हटा नहीं सकते, क्योंकि बहुत हद तक हमारी शिक्षा इंग्लिश भाषा से प्रभावित है। तो यहाँ पर हिंदी भाषा को बढ़ावा देना हमारा उद्देश्य है, इंग्लिश भाषा को दरकिनारे करना नहीं, वरना बहुत सारी चीज़ें हमसे रह जाएंगी, हमसे छूट जाएंगी, ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए। तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस आप सभी को 14 सितंबर पर हम ऑब्जर्व करते हैं। साथियों, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को आता है, ये बात भी आप जान लीजिएगा, ठीक है। अब आज के करंट अफेयर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब अगर आपने नहीं करा तो कर लीजिएगा, चैनल को शेयर कर दीजिएगा साथियों, और टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप सब आपको मिल जाएगा इस चैनल के लिंक पर। ये सभी वीडियोज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों, इनको ध्यान से ऑब्जर्व करिएगा। पहला करंट अफेयर, नॉर्थ कोरिया ने किया लॉन्च रेंज मिसाइल का सफल परीक्षण। तो यहाँ पर नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था साथियों आजकल, क्यों था तो इस चीज़ को ऑब्जर्व करिएगा। और नॉर्थ कोरिया ने लॉन्ग रेंज मिसाइल को सफल परीक्षण जो किया है, सक्सेसफुल टेस्टिंग किया है, तो ये क्या नियम के अनुसार है, क्या ये कानूनन है? तो उत्तर कोरिया ने अपने परमाणु कार्यक्रम को लेकर संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों और गतिरोधों के बीच सप्ताहांत में एक नई लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है। स्थानीय मीडिया ने 13 सितंबर को इस खबर की पुष्टि की है। इसे महान महत्व का एक रणनीतिक हथियार बताया जो जापान को मारने में सक्षम है। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिए, नॉर्थ कोरिया जापान, और यहाँ पर नॉर्थ कोरिया एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर तानाशाही चलती है, आप जानते हैं। मिसाइल परीक्षण के बाद जारी कई तस्वीर मिसाइल के प्रक्षेपण यान और दूसरी और क्षैतिज उड़ान में दागते हुए दिखाया गया। विश्लेषकों के अनुसार मिसाइल उत्तर की हथियार प्रौद्योगिकी में एक उल्लेखनीय प्रगति को प्रतिनिधित्व कर सकती है, और इसे दक्षिण या जापान में एक वारहेड पहुंचाने के लिए रक्षा प्रणालियों में बेहतर तरीके से बचने में सक्षम बनाती है। कुल मिलाकर हमें ये बात ध्यान रखनी है कि नॉर्थ कोरिया ऐसे परीक्षण कर रहा है और सक्सेसफुल कर रहा है, और ये कानूनन नहीं है। और यहाँ पर जितने भी सैंक्शंस लगाए गए हैं यूएस के द्वारा, उन सब का बिल्कुल अवहेलना आप देख सकते हो, यहाँ पर कोई मानना नहीं है, कुछ सैंक्शंस मानना नहीं है, वर्ल्ड ट्रीटी को मानना नहीं नॉर्थ कोरिया के द्वारा। नॉर्थ कोरिया का भौगोलिक स्थिति आप देख सकते हैं, यहाँ पर जापान का ईस्ट सी ऑफ जापान आप देख सकते हैं, ये तटीय सीमा नॉर्थ कोरिया मिलाता है इससे। नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर चाइना है, चीन का समर्थन रहता है नॉर्थ कोरिया से, नॉर्थ कोरिया को समर्थन करता है चीन, लेकिन वो एकदम सामने आके समर्थन नहीं करते हैं, वो अंदर ही अंदर समर्थन करते हैं, ये बात आप जानते हैं, फाइनेंशियली, हथियारों से और राजनीतिक तौर पे भी। चलिए अगला कंसेप्ट, तो नॉर्थ कोरिया ने सक्सेसफुल टेस्ट किया है, ठीक है, इन्हें आप जान लीजिएगा। अगला कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं हम, मोरक्को किंग अपॉइंट्स अजीज अकनाउज एज प्राइम मिनिस्टर आफ्टर आरएनए विंस 102 सीट्स। मोरक्को के
यहाँ पर जो आरएनआई है उन्होंने विक्ट्री जीत ली है, उन्होंने जीते हैं, पोल को जीता है, इलेक्शन जीता है। और यहाँ पर अब जो नए प्रधानमंत्री, नए प्राइम मिनिस्टर जो बने हैं वो अजीज अकनाउज बने हैं, ठीक है। इनका प्रोनंसिएशन एक बार मैं आपको हिंदी में भी बता देता हूँ। मोरक्को के राजा मोहम्मद सिक्स ने अजीज अकनाउज को मोरक्को का नया प्रधानमंत्री नियुक्त करा है। वह लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस आरएनआई का पूर्ण रूप क्या है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, नेशनल लिबरल नेशनल रैली ऑफ इंडिपेंडेंस उसके नेता हैं। मोरक्को के नए प्रधानमंत्री नियुक्ति की खबर राज्य द्वारा संचालित प्रसार द्वारा की गई है। मोरक्को आप देख सकते हैं, ये हमारा अफ्रीका स्थित एक कंट्री है और यहीं से आप जानते हैं इब्न बतूता जहां से आए थे वही मोरक्को है। इब्न बतूता का नाम आपने सुना है, ये रहा मोरक्को, इसका भौगोलिक स्थिति आपको दिखाते हैं। राबत इसका राजधानी कैपिटल और इसके बराबर में अल्जीरिया है, ठीक है, और नीचे सहारा मरुस्थल जो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है वो शुरू हो जाता है। ये हमारा भूमध्य सागर है साथियों, ठीक है, और भूमध्य सागर और नॉर्थ अटलांटिक सी, आपको ये कमेंट करके बताना है, आज का होमवर्क आपको दे देता हूँ कि भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी और नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है, इसमें कौन सा जल संधि है जो इन दोनों को जोड़ता है, कौन सा स्ट्रेट है जो इन्हें जोड़ता है। ये बहुत अच्छा एक स्ट्रेट है, इसका नाम आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना है। अगला प्रश्न, अगला कंसेप्ट, पीएम मोदी टू ले फाउंडेशन स्टोन फॉर राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी इन अलीगढ़ टुमारो। तो अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह के लिए एक स्थापित पत्थर या फाउंडेशन स्टोन रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी। और प्रधानमंत्री मोदी जैसे जैसे चुनाव हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश के कई जिलों में इनकी यात्रा तय है, आप देख सकते हैं लगातार, जैसे लखनऊ हुआ, अलीगढ़ हुआ। तो 12 बजे उत्तर प्रदेश अलीगढ़ में राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखेंगे। विश्वविद्यालय की स्थापना राज्य सरकार द्वारा महान स्वतंत्र सेनानी, शिक्षाविद और राज्य समाज सुधार राजा महेंद्र प्रताप सिंह की स्मृति और सम्मान में की जा रही है। अलीगढ़ की कोल तहसील के ग्राम लोहड़ा और यहाँ पर ग्राम मुसेपुर करीम जरौली में ये रखा गया है। अलीगढ़ संभाग के 395 कॉलेज को संबद्धता प्रदान करता है ये विश्वविद्यालय। फूड प्रोसेसिंग यूनिट अनवीर इन मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की सरकार खाद्य संस्करण और खाद्य प्रसंस्करण में, फूड प्रोसेसिंग में काफी उन्नति ले रही है, लेकिन एमपी टेट का एग्जाम नहीं करा रही है। ये पता नहीं क्या कारण है, एमपी टेट के एग्जाम में इन्हें क्या दिक्कत आ जाती है, 2 साल से हमारे छात्र वेट कर रहे हैं। तो 11 दिसंबर 2021 को केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, ये नाम आप नोट कर लीजिएगा, प्रहलाद सिंह पटेल मध्य प्रदेश के मुरैना में मैसर्स सहारा फ्रोजन फूड्स की एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया। खाद्य प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना नामक केंद्रीय क्षेत्र की कोल्ड चेन योजना के तहत है। इसे खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह के अंतिम दिन लॉन्च किया गया है। खाद्य प्रसंस्करण सप्ताह 6 सितंबर 2021 से 12 सितंबर 2021 तक आजादी का अमृत महोत्सव, आजादी का अमृत महोत्सव एक भाग के रूप में मनाया गया। इसके तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने विभिन्न कार्यक्रम को आयोजन किया। सप्ताह के हिस्से के रूप में मंत्रालय ने चंडीगढ़ में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत बेकरी और कन्फेक्शनरी में व्यापार के अवसरों पर वेबिनार का भी आयोजन किया है। साथ ही ₹5.41 करोड़ PMFME योजना के तहत महाराष्ट्र में 1498 SHG होता है साथियों, सेल्फ हेल्प ग्रुप सदस्यों के लिए सीड कैपिटल के रूप में समुदाय आधारित किया है। तो सीड कैपिटल के रूप में 5.41 करोड़ PMFME योजना के तहत सीड कैपिटल में निवेश किया है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह हमारा राजस्थान राज्य है और ये सीमा चंबल नदी जो बनाती है, चंबल नदी के बारे में आप देख सकते हैं साथियों, ये चंबल नदी है और चंबल नदी के ऊपर यहाँ पर आपका मालवा पठार पाया जाता है, ठीक है।
ये मध्य प्रदेश का संबलगढ़ और मुरैना, अम्बा, पोरसा, ठीक है, भिंड, ग्वालियर, मध्य प्रदेश के, ये एक मैग्निफाइड मैप आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। छिंदवाड़ा, कंदौली, अगर कभी MPPSC एग्ज़ाम में बैठेंगे या राजस्थान PSC एग्ज़ाम में बैठेंगे, RAS में बैठेंगे, जैसे एग्ज़ाम आ रहा है RAS में, तो वहाँ पर ऐसे मैप को देख कर जाना ज़रूरी है कि चंबल नदी किन किन ज़िलों से होकर गुजरती है, कहाँ कहाँ बाउंड्री बनाती है, ठीक है। यहाँ पर राष्ट्रीय जो हमारा घड़ियाल है, घड़ियाल के संरक्षण के लिए भी यहाँ पर सेंचुरी है, जो तीन राज्यों में देखेंगे आप, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, ये वाला क्षेत्र, ठीक है साथियों। अगला कंसेप्ट, तो आज हिंदी दिवस की हम बात कर रहे थे साथियों, आज है हिंदी दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, इसे गौर फरमाइएगा। हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है, जैसा कि नाम से पता चलता है ये हिंदी को समर्पित एक दिन है। यह उस दिन को चिन्हित करता है जिस दिन हिंदी भाषा को भारत संघ की आधिकारिक भाषा घोषित किया गया था। 14 सितंबर 1949 को देवनागरी लिपि में लिखी गई हिंदी को भारत की संविधान सभा द्वारा भारत संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया था। दूसरी आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है। हिंदी को राजभाषा के रूप में अपनाने के पीछे भाषाओं वाले देश में प्रशासन को सरल बनाना था। LCA Mark II to roll out next year first flight in 2023 says scientist. तो यहाँ वैज्ञानिकों ने कहा है कि LCA Mark II आ जाएगा आपका अगले वर्ष 2023 तक आ जाएगा और पहली फ्लाइट 2023 तक वो लेगा। तेजस एक का नया रूप आप देख सकते हैं। तेजस भारतीय वायुसेना का एक बहुत ही गौरवान्वित विमान, लड़ाकू विमान, फाइटर प्लेन आप देख सकते हैं और इंडिजीनियस है, इंडिजीनियस भारत ने खुद से बनाया है, ठीक है। जैसे रफाल जो विमान है वो फ्रांस से लिया है, वो इंडिजीनियस की कैटेगरी में नहीं आता है, पर तेजस आता है इंडिजीनियस की कैटेगरी में। और यहाँ पर आप देखेंगे एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट AMCA 25 टन फाइटर प्लेन है और इसकी जो खासियत है वो आप देख सकते हैं, एयर टू एयर मिसाइल अस्त्र 70 किलोमीटर की रेंज में ये फायर कर सकता है। साथ ही तेजस पर हमें बहुत गर्व है। 17.5 टन का ये विमान है और ये मिराज, जगुआर और ग्रिपन जैसा सेम विमान है साथ ही। 2025-26 तक इसका प्रोडक्शन और अच्छा हो जाएगा। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क टू दूसरी पीढ़ी यानी लेवल टू या 2.0 आप कह सकते हैं, इसकी पहली उड़ान 2023 तक तैयार होने की उम्मीद है, ठीक है। प्रोटोटाइप जारी है, प्रोटोटाइप पे मेहनत लगे हुए हमारे वैज्ञानिक, तो तेजस 2 को आप ध्यान रखिएगा। साथ ही 14 सितंबर को आप यहाँ पर एक ऑस्पिशियस डे पे आप एक चीज और देखिए, ऑन दिस ऑस्पिशियस डे ऑफ संवत्सरी आई बेग फॉर फॉरगिवनेस फॉर ऑल हर्ट्स कॉज्ड बाय नॉइंगली एंड अनलॉइंगली मिच्छामी दुक्कड़म। साथ ही यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, मिच्छामी दुक्कड़म ये आप नोट कर लीजिए। मिच्छामी दुक्कड़म जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हिंदू माइथोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है, जैन समुदाय के यहाँ पर विशेष रूप में आप देखोगे श्वेतांबर और जैन समुदाय के दृष्टिकोण से ये संप्रदाय द्वारा मनाया जाता है मिच्छामी दुक्कड़म, ठीक है। आप में से जो जैन समुदाय के होंगे, जो बौद्ध धर्म और जैन समुदाय के होंगे, वो समझ सकेंगे। श्वेतांबर और दिगंबर दो सेक्ट होते हैं, ठीक है, हमारे जैन समुदाय के। तो यहाँ पर 8 दिवसीय प्रार्थनाओं के पालन का अंतिम दिन जिसे पर्युषण पर्व कहा जाता है या पर्युषण कहा जाता है, ठीक है। ये पर्युषण पर्व बहुत ही प्रसिद्ध पर्व है साथियों। कल हमारे एक स्टूडेंट हैं, वो भी बता रहे थे, सर हम तो इस पर्व को मना रहे हैं, ठीक है। तो पर्युषण पर्व इसे कहा जाता है, 8 दिन मनाया जाता है। भाद्रपद, अगर आप हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलेंगे तो भाद्रपद के जैन कैलेंडर महीने में हर साल शुक्ल पंचमी को पड़ता है। कहीं कहीं ग्रिगोरियन कैलेंडर में अगस्त और सितंबर के मध्य में पड़ता है, मतलब ग्रिगोरियन जो नॉर्मल कैलेंडर हम इंग्लिश कैलेंडर मानते हैं। संवत्सरी को क्षमा के दिन के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हाथ जोड़ के क्षमा कर देना, जिन्होंने जो भी गलतियाँ करी हैं उन्हें क्षमा कर देना एक बहुत अच्छा होता है। जैसे हम कर देते हैं, हमारे साथ बहुत लोगों ने गलत किया है पर हम उन्हें क्षमा कर देते हैं, ठीक है। ये सेशन भी वो देख रहे होंगे, आप चिंता मत करिए,
ठीक है, लेकिन हम आपको क्षमा कर देते कुछ समय बाद। तो मिच्छामी दुक्कड़म, यहाँ पर ये पर्व जैन समुदाय से संबंधित, इसे आप नोट कर सकते हैं। नुआखाई 2021, नुआखाई 2021 इस पर्व को भी एक बार देखिए। वाह, देखो कितना भारतीय विविधता को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, कितना शानदार खाना यहाँ पर है, ठीक है। और उड़ीसा का नुआखाई राज्य का एक महत्वपूर्ण कृषि उत्सव है, इसे नोट कर लीजिए। आजकल राज्यों से संबंधित सवाल बहुत आ रहे हैं कि नुआखाई जो है आपका पर्व, ये कहाँ मनाया जाता है, किस राज्य से संबंधित है। तो केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने लोगों को शांति, समृद्ध और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की है। प्रथा के अनुसार लोग अपने स्वयं को उपभोग से पहले देवताओं को फसलों के लिए अनाज चढ़ाते हैं। यह सामाजिक एकता का त्यौहार है, सोशल यूनिटी, ठीक है, परिवार के सदस्यों के साथ मनाया जाता है। तो नुआखाई कहाँ मनाया जाता है साथियों? उड़ीसा में मनाया जाता है। अब साथियों, मैं आपको 2:30 पर मिलूंगा और वहां पर इस अपडेट के ऊपर आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा महत्वपूर्ण, और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी दूंगा साथियों। तो उन क्वेश्चंस को जरूर करिएगा, उसके बिना आपका ये सेशन कंप्लीट नहीं होता है। तो 2:30 PM हम आपको अनअकैडमी के DSSSB वाले वर्टिकल पे, अनअकैडमी शिक्षा पर मिलेंगे। सौरभ सर करंट अफेयर्स या सौरभ सर GK करके आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे, आपको मिल जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।